यहाँ भी मैंने पवित्र आत्मा के बादल को फटते हुए देखा। ऐसा अनुभव किया कि पवित्र आत्मा गाढ़े रंग की सुगंध ले गया, बिल्कुल जैसे बादल फटने के समान। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने देखा, थोड़ी देर तक मैंने देखा कि लोग पवित्र आत्मा से बिल्कुल भर गए। और मेरी अपेक्षा थी कि अब लोग कुछ नई चीजों को सीखेंगे, और हुआ भी ऐसा। प्रेज़ द लॉर्ड। उस बादल में से क्या होने लगे मालूम है? नहीं मालूम होंगे। उस बादल में से आपके लिए पवित्र आत्मा के वरदानों को बहुत ऐसा मिलने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके लिए होने लगे। अभी इस वक्त आप उस फर्क को नहीं महसूस कर पा रहे, लेकिन मैं आपके ऊपर फर्क को देख रहा हूँ। उस बादल होने लगे मैंने से। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कुछ देर बाद मैंने देखा कि कईयों के जीवन से अभिषेक चोरी हो गया। क्या हो गया? अभिषेक चोरी हो गया। मैं प्रभु से पूछा, प्रभु कहाँ गया अभिषेक? प्रभु ने बताया, देखो मैं देख लू। कुछ के जीवन की चिंताएं, दबाव, वो चीजें अभिषेक को चोरी करके ले गई। कुछ के जीवन में कुछ दूसरी अभिलाषाएं, कुछ अशुद्धताएं, वो अभिषेक को चोरी करके ले गई। और लोग परिपूर्ण नहीं हो सके, लोग परिपूर्ण, ये चीज को मैंने देखा। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर जरूर हैं जो अभिषेक, जिन्होंने अभिषेक को पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अभिषेक कितना गाढ़ा होना चाहिए, आप बोलिए कितना गाढ़ा होना चाहिए। आपको कितना गाढ़ा अभिषेक चाहिए? आपको कितना गाढ़ा अभिषेक चाहिए? अभिषेक का मतलब है पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ्य। पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ्य कितना गाढ़ा चाहिए? कितना कितना चाहिए आपको? कितना चाहिए? हालेलुया। कितना? अनंत। और अपनी अभिलाषा को प्रस्तुत कीजिए। क्या अभिलाषा है आपकी अभिषेक के लिए? पवित्र आत्मा की उपस्थिति के सामर्थ्य की, जिस प्रभु के स्वार्थ आपने चखा है, उस प्रभु की उपस्थिति, उसकी सामर्थ्य के लिए कितनी अभिलाषा आपके भीतर? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अपनी अभिलाषा को जरूर व्यक्त किया कीजिए। अपनी अभिलाषा को जरूर व्यक्त प्रार्थना में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है। जो कुछ तुम प्रार्थना के विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। वो कुछ तुमको मिलेगा। जो कुछ तुम मुंह बंद करके विश्वास से, टेंशन से भर के मांगोगे वो कुछ कुछ तुमको मिलेगा। ऐसा लिखा। क्या लिखा? जो कुछ टेंशन से भर के मुंह बंद करके आप मांगोगे वो आपको दिया जाएगा। ऐसा लिखा। क्या लिखा? जो कुछ तुम प्रार्थना में हालेलुया। मुंह खोलना जरूरी है, इस बात को समझिए। मुंह खोलना, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपके मुंह को बीड़ी पीने के लिए दिया है, आपका मुंह गाली बकने के लिए नहीं। सही बोल रहा हूँ? इसलिए बाइबल कहती है कि मुंह से गाली बकना, गालियां बकना छोड़ दो। बुरी बातें कहने के लिए मुंह प्रार्थना करने के लिए दिया है, ताकि आप आसमानी आशीष को धरती पर ला सकें। हालेलुया। मुंह स्तुति करने के लिए दिया है, ताकि आप परमेश्वर के सिंहासन को, उसकी उपस्थिति को, सामर्थ को धरती पर ला सको। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ तुम प्रार्थना में कैसे मांगोगे? विश्वास से के टेंशन से, विश्वास से की चिंता से, विश्वास से। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे वो सब तुम्हें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु ने कहा वो सब माने जो कुछ आप मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा, यदि तुम विश्वास से प्रार्थना से मांगोगे तो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और यह की किताब उसके 47 अध्याय में आएंगे, यह किताब 47 अध्याय और 1-5 तक पढ़ेंगे। यह किताब 47 अध्याय और 1-5 पद तक।
37 नहीं बोला, 47 बोला, 37 नहीं 47 बोला। हाँ भवन की देवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। नीचे से निकलता था। वो हमारे प्रेस्टोर
वो हमारे वक्त की हमारे लिए लिखी गई। हालेलुया। जो भविष्यवाणी जो दर्शन यहेजकेल को दिखा गया वो उसके लिए नहीं था, वो हमारे लिए था। आमीन। हालेलुया। वो हमारे लिए था। और यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को बताया जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है, पहले पत्र पढ़ेंगे यहेजकेल की किताब का 47वां अध्याय पहले पत्र पढ़ेंगे। भवन की देवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर प्रवेश करो। हालेलुया। अब मेरी सुनिए, भवन की देवड़ी के नीचे से एक सोता बह रहा था और आगे पद में लिखा पसी जिकर बह रहा था, माने वो धीरे धीरे, हालेलुया, वो भवन की देवड़ी का माने ये सोता कहां से निकल रहा है, ये भवन के भीतर से सोता, प्रेस करो, कहां से निकल रहा है, भवन के भीतर से सोता निकल रहा है। और कैसे निकल रहा है, पसीज कर बह रहा धीरे धीरे, और आगे चल के क्या हो, ये एक बड़ी नदी बन गई, प्रेस करो, हालेलुया, ये बहुत बड़ी नदी बन गई, प्रेस करो, हालेलुया, ये बहुत बड़ी नदी बन गई। क्या इफेक्ट हुआ उसको बाद में देखेंगे, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं ये सोता कहां से बह रहा है, हवन वाले पवित्र स्थान से निकलकर बह रहा है, परमेश्वर के सिंहासन के नीचे से निकलकर बह रहा है। कहां से बह रहा है, परमेश्वर के सिंहासन के नीचे से, हालेलुया, कहां से बह रहा है, भवन क्या है, नए नियम में भवन क्या है, नए नियम में भवन क्या है, पवित्र स्थान क्या है, क्या है भवन, क्या है भवन, नए नियम में भवन क्या है, हमारी देह, हालेलुया, नए नियम में भवन क्या है, हमारी प्रेस करो, क्या है नए नियम में भवन, हमारी, बोलिए सब क्या है, मेरी देह, बोलिए मेरी देह, परमेश्वर का निवास स्थान क्या है, हाँ आपकी देह, मेरी देह परमेश्वर का निवास स्थान है, प्रेस करो, हमारे हृदय क्या है, कहाँ है, मनुष्य का दिमाग कहाँ होता है, जुटते नहीं, क्या होता है दिमाग, कितों का दिमाग क्या है, दिमाग कहाँ होता है, क्या बोलते हैं, दिमाग कहाँ होता है, दिमाग तो यहाँ होता है, अरे भैया हृदय कहां होता है, नहीं जानते लोग, दिल का मामला, दिल कहां होता है, लेफ्ट साइड होता है, ये फिजिकल दिल है, लेकिन हालेलुया, पेट कहां होता है, पेट, पेट कहां है, पेट कहां है, वाह पेट कहां है, ये तो पेट है ना, ये मेरा पेट है, आप लोग का पेट है कि नहीं, हालेलुया, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को बता रहा हूँ आपको, हालेलुया, हम कहते हैं परमेश्वर का सिंहासन कहाँ है, यहाँ, यहाँ, कहाँ, माइंड में कि दिल में, माइंड में कि दिल में, हालेलुया, और ये जो सोता कहाँ से बह रहा है, सिंहासन के नीचे ही है, दिल के नीचे है, दिल के नीचे क्या है, हालेलुया, तो सोता कहां से निकल के बहता है, पेट से, अरे निभाषा बोलते हैं कहां से निकलता है, निभाषा बोलिए तो ध्यान भी दिया बोलो, यहां से निकलता है, यहां से निकलता है, यहां से निकलता है, चलिए बोलिए तो निभाषा, कितने लोगों ने निभाषा नहीं बोला जानते, आज उनको प्रभु भरेगा,